व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए। देखते हैं इसका कुछ अच्छा रिव्यू आ रहा है, कुछ ख़राब रिव्यू आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट गम का रीमेक है, तो इसको क्यों देखना। मैंने फॉरेस्ट गम देखी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, वो आइकॉनिक मूवी है। पर इसको भी देखने जा रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखने जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है मूवी। अभी रूम पे हैं, तैयार हो गए हैं और पास में ही एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। ये क्या है? हमारा लिफ्ट हो गया है खराब, थर्ड फ्लोर पे जाके अटक गया, ये स्विच काम ही नहीं कर रहा, तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ये भी दुविधा है, एकदम से लिफ्ट रुक जाती है, यहाँ आके रुकी हुई है लिफ्ट। यहाँ से ना ऊपर जा रही है, ना अंदर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना बाहर जा रही है, ना गेट खुल रहा है। नथिंग इज हैपनिंग। कभी कभी लिफ्ट का खराब हो जाना भी सही है। हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हमेशा लिफ्ट ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों का एक्सरसाइज नहीं हो पाता। हालांकि वैसे चलते हैं, सड़क पे तो चलते ही हैं। हम लोग फिफ्थ फ्लोर में रह रहे हैं, तो सीढ़ी से उतरने में तो 5 दिन लगेगा ही कम से कम। एंड वी रीच टू द ग्राउंड फ्लोर, पार्किंग तक आ गए हैं, अब निकलेंगे बाहर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So we arrived to the cinema hall. हमारी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं मूवी, फिर बताते हैं आपको रिव्यू कैसा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पोस्टर लगा हुआ है, आमिर खान रनिंग विद हैवी बियर्ड। हमने हॉल में एंटर करने से पहले प्रसादान कर लेना सही समझा, एंड वी डिड इट। और फिर अब हम चल रहे हैं अंदर। आप कभी भी आओ, कोई भी फिल्म देखने आओ, अक्षय कुमार आपको स्क्रीन पर दिखी जाएंगे, चाहे वो कोई मूवी के साथ, कोई ट्रेलर के साथ या कोई एड के साथ। तिरंगा देश की आन बान शान है, तिरंगा हर भारतवासी की पहचान है। तिरंगा थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूसरे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। और उसके बाद हमें ये समझाया गया कि किसी कारणवश अगर आपको हॉल से बाहर निकलना पड़े, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी एग्जिट्स कैसे हैं, कैसे कैसे बाहर निकलना है, आपको कहाँ ठहरना है, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए। एंड वी ऑल रिस्पेक्टफुली स्टूड फॉर आवर नेशनल एंथम जन गण मन। और फिर मूवी की शुरुआत होती है एक फीडर से, एक पंख से। देखते हैं, इंटरेस्टिंग शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा रहता है। लाल सिंह चड्ढा जी उस्ताद, और मैं तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आपके हर हुक्म का पालन कर रहे हैं उस्ताद। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। तुम्हें पता है तुम जीनियस हो लाल? नहीं उस्ताद, अभी पता चलिया। इंटरवल हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ, 250 रुपये की पॉपकॉर्न मिल रही है, तो बस दूर से ही देख पा रहा हूँ। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मूवी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, आमिर खान इस सीन में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। चड्ढा साहब अपने गांव से दौड़ना शुरू करते हैं और सालों तक पूरे देश का कोना कोना चक्कर लगाते हैं, पूरे देश के कोने कोने तक दौड़ते हैं। लिटरली मैंने रोया है मूवी के दौरान भी और अंत में भी। तो मेरा ओपिनियन यह है मूवी देखने के बाद, आप फॉरेस्ट गंप अगर देख भी चुके हो तो यह मूवी आपको यूनिक ही लगेगी, एक डिफरेंट सा लगेगा। इसमें जो इंडियननेस है, जो इंडियन तरीके से इसको बनाया गया है, और आमिर खान के से जो एक्सपेक्टेशन आपका रहता है उसकी पूर्ति आपको हो ही जाएगी इस मूवी से। तो आप ज़रूर देखें इस मूवी को। बाकी अगर आप पहले ही कुछ ओपिनियन बना के बैठे हैं तब तो सही नहीं है, आप देख के ही अपना ओपिनियन दें।
सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ये था आज का व्लॉग। कीप हसलिंग, कीप रनिंग लाइक चड्डा सिंह डज, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.